नागपुर के वाठोड़ा पुलिस थानांतर्गत यूनिट 3 टीम द्वारा क्रिकेट पर सट्टा खेलने वाले आरोपियों पर कार्रवाई की गई है। पुलिस ने छापा मारकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर कुल 2,36,600 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया है। वाठोड़ा पुलिस थाना अंतर्गत आज 3 अगस्त को यूनिट 3 की टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ बांग्लादेश टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में क्रिकेट सट्टेबाजी के खिलाफ छापेमारी की गई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी शुभम विजय राव ठाकरे, शुभम अनिल येलपुरवार, तनय अजय अहेर और प्रशांत पारदी फाइनल क्रिकेट मैच में सट्टा लगा रहे हैं। पुलिस ने मौके पर छापा मारा और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि चौथा आरोपी प्रशांत पारदी फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए MI कंपनी का TV और सेटअप बॉक्स रिमोट, विभिन्न कंपनियों के 13 मोबाइल फ़ोन, 2 लैपटॉप, वाईफाई बॉक्स, एक्सटेंशन बोर्ड और चार्जर, 2 पेन ड्राइव, 9,000 रुपये की नकद राशि, ऐसा कुल 2,36,600 रुपये का मुद्देमाल जब्त किया है और पुलिस द्वारा आगे की जाँच की जा रही है। VKB न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोखड़े के साथ वैदेही चव्हाण की रिपोर्ट। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।